दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि सभी को पता, आर्थिक जनगणना 2019 वेली देख लो, प्रति परिवार मिलेगा इतना रुपए, कितनी कमाई होगी एक गांव से या ग्राम पंचायत से, आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आर्थिक जनगणना 2019 है जो, उसका काम सीएससी वेलीज को मिला है, मतलब कॉमन सर्विस सेंटर को मिला है। तो उसका काम जो होना है तो उसमें कमीशन कितना मिलने वाला है, आपको सभी को पता है। इन्वेटर्स क्या है, सुपरवाइजर क्या है, कैसे उनको रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं बताने वाला हूं कि ऑफिशियली कितना आपको कमीशन मिलेगा, कितना आप ग्राम पंचायत में पैसा कमा पाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन झाकड़। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों रेड कलर के बटन पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब करें। और पूरा डिटेल जानने के लिए आ जाना है आपको इस वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं, तो आर्थिक जनगणना वेली कमीशन लिस्ट, तो अप्रैल 2019 में आर्थिक सर्वे शुरू होने जा रहा है। इस आर्थिक सर्वे में 12 करोड़ हाउस होल्ड का आर्थिक सर्वे किया जाएगा। इस आर्थिक सर्वे को करने के लिए लगभग 15 लाख नए लोगों की जरूरत होगी। तो दोस्तों, ये 15 लाख लोग कहाँ से आएंगे? आप सभी को डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से अपने यहाँ से एक मैसेज मिला होगा कि अपने आप को जो सीएससी वैली है वो खुद को सुपरवाइजर ऐड करे अपने पोर्टल पे, और जो उसके नीचे 10 एन्यूमरेटर ऐड करने हैं, अपने आप को सुपरवाइजर की तौर बतौरत है वहां पर ऐड करना है, और अपने नीचे 10 लोगों को और ऐड करना जो एन्यूमरेटर कहलाएंगे। तो अब कब से स्टार्ट होगा, किन वेली को मिलेगा आर्थिक सर्वे का काम, और सीएससी वेली रजिस्ट्रेशन दोस्तों, सीएससी वेलीज के इन्यूमरेटर और सुपरवाइजर का रजिस्ट्रेशन आपने अभी तक नहीं किया तो उसको जरूर कर लें। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन्यूमरेटर्स कौन होगा, सुपरवाइजर क्या होगा, इसका डिफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर दिया था। अगर इन्यूमरेटर की बात करें तो इन्यूमरेटर वो होंगे जो वेली के नीचे काम करेंगे, जो सर्वे काम करने जाया करेंगे फील्ड पर, और सुपरवाइजर वेली खुद होगा, उसके नीचे 10 इन्वेटर जुड़ेंगे। और अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज है, आर्थिक जनगणना वेली कमीशन, ठीक है, या इकोनॉमिक सर्वे वेलीज कमीशन। तो उसके लिए क्या आपको करना है, सबसे पहले आर्थिक जनगणना सुपरवाइजर का कमीशन मैं आपको बता देता हूं। पहले आप वेलीज इन्वेटर का समझिएगा, इसके बाद सुपरवाइजर का अपने आप समझ में आ जाएगा। तो जो भी आप अपने नीचे जोड़ेंगे, तो उनका अगर 10 रुपया घरों के लिए दिया जाएगा, 16 रुपया छोटे दुकानदार के लिए, दुकानों के लिए, और 20 रुपया फैक्ट्री के लिए। यदि किसी घर का सर्वे करना है तो उसके लिए 10 रुपये किसको मिलेगा, इन्वेटर को, और उसका जो कमीशन आएगा, जो मैनेज करेगा वेली होगा जो सुपरवाइजर, उसके तौर पर उसको 3.5 रुपया उसको मिलता रहेगा। सपोज दैट उसने एक घर का सर्वे कर लिया एन्यूमरेटर ने, तो आपको 3 रुपया मिल जाएगा और 10 रुपया मिल जाएगा एन्यूमरेटर को। ऐसे अगर किसी छोटे दुकान का अगर उसने सर्वे कर लिया तो 16 रुपये एन्यूमरेटर का मिलेगा और 4.4 रुपये वेलीज को मिलेगा, मतलब सुपरवाइजर को मिलेगा। इसी टाइप अगर हम किसी फैक्ट्री की बात करें, वहां पर अगर आर्थिक सर्वे करने जा रहे हैं वो लोग, तो 20 रुपए जो मिलने वाला है इन्यूमरेटर को, जो आपके नीचे काम करेगा, उसके भी आप पर 6.5 रुपीज आपको मिलेगा। तो टोटल की अगर हम बात करें तो एक घर का सर्वे करने पर 10 रुपये प्लस 3.5 रुपये, आपको 13.5 रुपए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, ये पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट क्यों समझा इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, लेकिन मेरे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब ने ये मतलब उसको उस मैसेज को फॉरवर्ड किया है पुनः से कि यही पर यही शीट होगा, यही आपका कमीशन लिस्ट होगा, इसलिए मैंने दोबारा से इसको बनाया। पूरा डिटेल और भी आप यहां पर पढ़ सकते हैं, बहुत सारी डिटेल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कैसे क्या पूरा सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें। और एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपको मैं देना चाहूंगा, यदि आप किसी भी टाइप का घर का नक्शा बनवाना चाह रहे हैं, सब उधर 15x25 की बात करें या 15x30 की बात करें, 20x38 की बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको घर के नक्शे मिल जाते हैं। यदि आपका कोई भी प्लॉट है या कुछ भी पड़ा है और उसमें बनवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर इस वेबसाइट का नाम है smallhouseplan.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे वहां पर आएंगे, जो भी आपको नक्शा अच्छा लगे उस पर रीड मोर पर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो पूरा नक्शा आपके सामने खुल जाएगा विद 2D इमेज, और उसी का 3D इमेज बनने के बाद कैसे दिखेगा विद डायमेंशन, कितने बाई कितने के रूम होंगे, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इस वेबसाइट पर आप जरूर विजिट करो, लास्ट में आपको एक वीडियो भी मिल जाता है यदि आपको समझ में नहीं आता है, और आप इसको देखकर अपना घर बनवा सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और उन सभी सीएससी वेलीज को इसको फॉरवर्ड करें
जो आर्थिक जनगणना में काम करना चाह रहे हैं। और मैंने एक दोस्तों ग्रुप बनाया था हेल्प इन हिंदी नाम का फेसबुक पर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर आप फॉलो करें। और अगर आपको कोई डाउट